crazy, go. दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, और दोनों ही सर्कल के बाहर है। सर्कल के अंदर जो पहले पहुंचा उसके पास एक हाई प्रायोरिटी सिचुएशन होगी, बट यहाँ पे फनेटिक के प्लेयर्स को नॉक किया जा रहा है। स्काउट की एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो भी नॉक हो जाएंगे, और पावर हाउस यहाँ पे फनेटिक को कुछ ही देर में गेम से बाहर निकाल सकती है, जिनके आई थिंक सिर्फ एक ही प्लेयर बचे अब गेम में, दैट इज रॉनक। ओके, एश भी अभी जिंदा है, और ये शैक के कवर के अंदर से पावर हाउस के प्लेयर्स को पनिश कर रहे हैं फॉर ओवर एक्सटेंडिंग बेसिकली। नॉक फॉर नॉक, किल फॉर किल, ये चीज निकालते हैं पावर हाउस, लेकिन पूरे का पूरा खात्मा हो चुका है। फनेटिक एश ने जो स्टार्ट किया था वो चीज वहां पर वीएसजी क्रॉस के प्लेयर्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन अब फनेटिक के दो प्लेयर्स बचते हैं जो कि रौनक और एश होंगे। इस एक शैक को अपने लिए कवर बनाकर बैठे, सीजे का थोड़ा सा अगर आगे आकर नेड कर देते हैं, अगर वो परफेक्ट रहता है तो फनेटिक के लिए मुश्किल हो सकती है। आगे सोल का स्क्वाड भी आप देख सकते हैं, वीएसजी क्रॉस के वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एम4 उनके पास है, लेकिन पीछे से उनको भी शॉट पड़ते हैं, वो सर्कल के बाहर से उनको शॉट पड़ रहे थे। एंड ऑन द अदर साइड वहां पर ऑरेंज रॉक का भी एलिमिनेशन हो जाएगा, सिक्स्थ पोजीशन पर 5 किल्स उनके पास आए थे। सोल की स्क्वाड अपने लिए एक अच्छा खासा कवर बनाती हुई वीएसजी क्रॉसर्स बहुत बेहतरीन तरीके से अभी के लिए फाइट लेकर गए हैं, बट स्टिल अब सर्कल की भी मुश्किलें होने वाली है। सीजी आगे ग्रेनेड करते हुए, ग्रेनेड सोल की स्क्वाड के काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन इट वाज नॉट इनफ, ऑब्वियसली गाड़ियां थी सामने, लेकिन फनेटिक के रौनक वहां पर सोल के मॉडल को लेकर जाते हुए, सोल रिकल टॉस वीएसजी क्रॉस के ईवो के साथ फाइट लेते हुए, एंड फनेटिक के एश के पास वो किल आता है, फनेटिक के एश ने वो किल उनसे ले लिया है। सीजी का ग्रेनेड बेहतरीन, सोल मॉडल, सोल वाइपर, पूरा सोल का स्क्वाड वहां पर एलिमिनेट होता हुआ, तीन टीम्स बचती है इसके अंदर। स्मोक टू सुन एंड वीएसजी क्रॉस का भी वहां पर सफाया होता हुआ, तीन टीम्स, हाइप का स्क्वाड अभी भी बचा हुआ फनेटिक के पास, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहां पर फनेटिक के रौनक भी डाउन हो जाएंगे एंड एलिमिनेट हो जाएंगे। एश बचे हुए, हाइप का स्क्वाड इस फाइट के अंदर पूरा पूरा बचा हुआ, एंड ऑन द अदर साइड टीम तमिलास भी बची हुई है किल्स के मामले में। अभी के लिए टीम तमिलास के पास 4 किल्स रहेंगे, एंड आगे पूरी की पूरी फाइट ये देखना चाहेंगे, बट फनेटिक के एश अकेले एक प्लेयर पूरा फनेटिक का अभी भार अपने कंधों पर लेकर इस सर्कल के अंदर घुसना चाहेंगे, जो कि 7 सर्कल होने वाला है। इन्होंने अभी कुछ शॉट्स फायर किए थे जिसकी वजह से ये अपनी लोकेशन जो है वो रिवील कर चुके हैं, और अब देखना ही होगा कि कौन इन्हें यहाँ पे फिनिश करके ये जो पिक है वो निकालेगा। वेनम आपकी साइड से बहुत ही करीब पैर स्पॉट हो रहे थे, एंड यस पैर स्पॉट हो रहे थे, एक गोली लगती है, ही इज गोना बी टेकन डाउन। फनेटिक तीसरे स्थान पर इस गेम से एग्जिट लेते हुए अब आ चुकी है 4-3 की सिचुएशन बिटवीन हाइप एंड टीम तमिलास, दोनों की दोनों वो टीम्स जो स्टैंडिंग में बहुत ही दिक्कत भरी सिचुएशन में, स्पेशली टीम हाइप, दोनों में से कोई भी ये चिकन डिनर निकालता है उनके लिए एक बहुत बहुत अच्छा पुश होगा टॉप 16 के अंदर घुसने के लिए। अब यहां पर जो फाइट्स आती है वो होता है 4-3 का सिनेरियो। अगर हम टॉप डैमेज डीलर्स की बात करें तो अभी रिगल टॉस सबसे ऊपर रहेंगे, मैक्सी उनके बाद आते हुए पावर हाउस के डार्क हमेशा अपना नाम बनाते हैं, उसके बाद फनेटिक के ओबेस और बीएसजी क्रॉसर्स के सीजी, ये 5 प्लेयर्स काफी बेहतरीन तरीके से गेम्स निकाल चुके हैं अपने लिए, बट अब स्टोरी बचती है हाइप और टीम तमिलास के बीच में। फिर रिमेंबर जॉनी, वी हैड साउथ एशिया का गेम जिसके अंदर टीम हाइप ने बहुत बेहतरीन तरीके से फाइनल सर्कल निकाला था, वो भी 4-3 का सिनेरियो था, एंड टीम तमिलास को हम देख रहे हैं अपनी लय धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। तो यहां पर कौन सी ऐसी टीम होगी जो इस गेम में इस आज के एक अकेले रैंगल को अपना एक एरिया बनाकर जाएगी। टीम तमिलास के 3 प्लेयर्स बचे हुए, कैरी एक तरफ, स्ट्राइकर एक तरफ, मैक्सी एक तरफ, हाइप के प्लेयर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इसके 4-9 वेनम प्रोटोटाइप एंड गुरखा। अब क्या कॉल्स आएंगे इस फाइट के लिए, कॉज 7 सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन करता हुआ, 8 सर्कल आने वाला है थोड़ी देर में, एंड उसके लिए इनको आगे घुसना भी पड़ेगा, घूमना पड़ेगा पूरे के पूरे एरिया में, बट स्टिल स्पॉट नहीं होना है कुछ भी करके। स्पॉट हुए तो वहीं पे दुर्घटना हो जाएगी इनके साथ, और जैसा कि ओशन आप बता रहे थे कि पहले भी हम ये सिचुएशन देख चुके हैं, बट वो टीम्स अलग थी। इस बार टीम तमिलास है जिनको इंडिया की वन ऑफ दी मोस्ट अग्रेसिव टीम्स के रूप में हमने देखा है। आई थिंक लास्ट टीम जिसने वो किया था वो 0° थी, और उसके बाद टीम तमिलास हमको एक हाई फ्रैगिंग टीम, बहुत ही एक फ्रेश हाई फ्रैगिंग टीम देखने को मिली है। वेटरन्स हमेशा से ही परफॉर्म करते हैं, बट जब नई टीम्स आके मारना चालू करती है वो चीज़ देखने में बहुत मजे आते हैं, और यहाँ पर टीम तमिलास ने वही किया था जब ये PMCO में आए थे। क्या ये अपनी वो परफॉर्मेंस जिसको ये वापस रीगेन करने की कोशिश करते PMPL के आखिरी हफ्ते के अंदर, आखिरी दिन पे, क्या ये अपना वही रूप फिर से धारण करेंगे? अब हाइप की स्क्वाड को यहां पे अगर टीम तमिलास एलिमिनेट करती है, जैसा मैंने कहा था टॉप 16 इनके नाम हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल। और जैसा हम पनिशेस की बात करते थे कि आप अपने ओपोनेंट्स की गलतियों को पनिश करते हैं, हमने होते हुए देखा इस गेम के अंदर वो चीज, ये दोनों वो अपॉर्चुनिटी सामने वालों को नहीं देना चाहते। अब यहां पर आप देखिए अभी भी एक स्टैंड ऑफ बन रखा है, कोल्ड वॉर चलता हुआ दोनों टीम्स के बीच में, इससे पहले कि यहां पर गोलियां बरसाई जाए। हाइप के प्लेयर्स बचे हुए, टीम तमिलास के 3 प्लेयर्स बचे हुए, नंबर्स एडवांटेज यहां पर हाइप के पास है, बट स्टिल जो ब्रेन एडवांटेज दोनों के पास इक्वल अमाउंट कर रहे हैं, बिकॉज गेम को दोनों
दोनों के पास सेम टाइप का गेम सेंस रहेगा। लेट्स सी किस तरीके से फाइट जाती है। कैरी के हाथ में ग्रेनेड देखा था मैंने, क्या वो उसको यूज करने वाले हैं थोड़ी देर में। क्योंकि कैरी सबसे ज्यादा आगे अभी टीम तमिलनाडु से धीरे धीरे रेंगते हुए आई गेस आगे पत्थर के पास पहुंच जाएंगे। यस ग्रेनेड का पिन खोल दिया गया, जस्ट टाइमर सेट है, टाइमर के बाद थ्रो भी किया जाएगा। थ्रो किया गया अभी के लिए पीछे के डायरेक्शन में, लेकिन उससे पहले मैक्सी को डाउन किया गया 4v3 को 4v2 बनाते हुए। अभी के लिए रिवाइवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम हाइप पूरी की पूरी तैयार यहां पर चिकन डिनर निकाल कर डोमिनेशन करने के लिए। अगर वो कर पाए काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट रहेगा उनके लिए, बिकॉज ये वो टीम है जो साउथ एशिया का रीजन जीत कर आई थी, उस रीजन के अंदर डोमिनेट कर आई थी, और यहां पर डोमिनेशन थोड़ा सा इनसे एक तरीके से दूर लग रहा था, बट स्टिल दे आर स्टिल ट्राइंग टू गो फॉर इट। एंड यहां पर कैरियो भी ऊपर उठ चुके हैं, कैरियो ने गुरकावाटी को स्पॉट कर लिया, गुरकावाटी ने भी उसको स्पॉट किया। अभी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन वहां पर डाउन करेंगे कैरियोपी को एंड फिनिश भी साथ के साथ कर देंगे ताकि लोकेशन प्रॉपरली रिवील ना हो। प्रोटोटाइप धीरे धीरे फिर से मूवमेंट करते हुए इन्होंने अपना बैकपैक छोड़ दिया, लेवल 1 हेलमेट है, लेवल 2 वेस्ट, थोड़ी सी वहां पर डैमेज है, बट स्टिल आगे जाते हुए एंड वेनम घुस चुके हैं फाइट के लिए, एंड घुसते ही सीधा फिनिश, एंड दैट वाज अ विन फॉर टीम हाइप। एक बहुत ही बढ़िया फिनिश यहाँ पे हाइप की तरफ से हमको देखने को मिला। एक चीज